हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट में हुए बड़े बदलाव को देखकर हर कोई दंग है। जहां नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नामों को बाहर किया गया, तो फडणवीस जैसे कई नामों को मौका मिलता नजर आया पीएम मोदी की कैबिनेट में। लेकिन आप सभी को जानकारी दे दें कि मुख्तार अब्बास नकवी के पद को लेकर भी लगातार चर्चाएं रहती हैं, लेकिन अपने पद से हटकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद को लेकर यानी पीएम पद को लेकर एक बहुत बड़ा तंज कसते नजर आए थे। दरअसल आपको जानकारी दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्हें विपक्ष के दो दर्जन पीएम उम्मीदवारों की सूची का इंतजार है। बता दें कि विपक्ष की ओर पीएम कैंडिडेट में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जैसे नाम सामने आ रहे हैं। नकवी ने यूपी के रामपुर में सभा को एक संबोधित करते हुए कहा था कि मोदी फोबिया की राजनीतिक बीमारी से ग्रसित लोग जल्द ही गायब हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा था कि मोदी फोबिया की राजनीतिक बीमारी से पीड़ित लोग जल्द ही गायब हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि निराशावादी राजनीतिक खिलाड़ियों का दिखावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को भी नहीं हरा सकता है। विपक्षी दल पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने पहले ही दो दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची तैयार कर ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इसे वैनिटी विदाउट वैकेंसी कहा जाता है। नकवी ने कहा कि तमाम राजनीतिक असहिष्णुता और झूठे मनगढ़ंत आरोपों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी समावेशी सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता के साथ अथक और लगन से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए देश की सुरक्षा और गरिमा राष्ट्र नीति है, जबकि हर जरूरतमंद का कल्याण राष्ट्र धर्म है। अपने रामपुर दौरे के दौरान नकवी ने महात्मा गांधी स्टेडियम में तिरंगा पतन कार्यक्रम में भाग भी लिया था। यहां 75 पतंग उड़ाकर तिरंगों का सम्मानित भी किया था और ये खबरें कुछ दिनों पहले की थी। लेकिन नकवी ने अपने पद से हटकर प्रधानमंत्री पद को लेकर जो यहां पर निशाना साधा, वो बहुत बड़ा अपने आप में बयान है, क्योंकि लगातार हर कोई यही देख रहा है कि नकवी को बीजेपी में और कौन सा बड़ा पद मिलता नजर आएगा राज्यसभा के इस्तीफे के बाद से। लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई भी खबरें सामने नहीं आई है और इसी बात का इंतजार है कि बीजेपी कब नकवी के बड़े पद पर ऐलान करती है। लेकिन इस बीच पीएम कैंडिडेट को लेकर विपक्ष में जो बवाल चल रहा है, वो देखना भी अपने आप पे दिलचस्प हो रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।